क्षेत्र पंचायत अकबरपुर की संपन्न हुई आम बैठक, गांव के विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। जनपद कानपुर देहात के ब्लॉक अकबरपुर में आज आम बैठक की गई, जिसमें ब्लॉक प्रमुख आशीष मिश्रा के साथ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, प्रतिनिधि बहुआ पांडे का खंड विकास अधिकारी मंचा सिंह रहे। बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन, वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पेयजल योजना, सिंचाई योजना, बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना, फसल सुरक्षा योजना, विद्युत आपूर्ति योजना, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ लगभग 16 योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उक्त बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा साफ सफाई तथा पेयजल योजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण योजना में आने वाली कठिनाइयों को भी अवगत कराया। इस पर उपस्थित अधिकारियों ने मिलकर के समस्त योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने पर सहमति जताई और आने वाली परेशानियों को दूर करने का भरोसा भी दिया। उक्त बैठक में खंड विकास अधिकारी ने बताया कि अपने ब्लॉक में मैरकपुर, पतारी, कमीर, मुक्तापुर, विवाइन, मोडौली और हसनापुर को अमृत सरोवर मिले हैं, जिस पर अति शीघ्र काम शुरू कराया जाएगा। इसके अंतर्गत तालाबों व पक्का व सुंदरीकरण और हरा भरा बनाया जाएगा। बैठक से संबंधित विभागों के अधिकारी, प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित है। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज की कार्रवाई लेकर क्या हुआ? क्षेत्र पंचायत की आज इस वित्तीय वर्ष की प्रथम बैठक माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें हमारी जो विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, मनरेगा, आवास और शौचालय एवं अन्य जो स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हैं, शिक्षा विभाग की योजनाएं, उन पर विस्तृत चर्चा की गई। उसके पश्चात जो क्षेत्र पंचायत का जो फंड होता है, उसमें लगभग 1,14,00,000 रुपये की योजनाओं को पारित किया गया है और उन पर आगामी वित्तीय वर्ष में काम कराया जाएगा। साथ के साथ जो मनरेगा संबंधी जो अमृत सरोवर की योजना है, अमृत सरोवर के तहत विकास करने में 7 तालाबों का चयन किया गया है, जिन पर जिनका जीर्णोद्धार और जिनको अमृत सरोवर के रूप में डेवलप कराया जाएगा। आवास का जो है, आवास में हमारे 304 का लक्ष्य था 2020-21 का, उसको हमने संपूर्ण पूरी तरह कम्प्लीट कर लिया है। आगामी मंथ में जून माह में नए आवासों की स्वीकृति के लिए मंडी जो प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि प्रधान जी, उनको अवगत कराया गया है और सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वो आगामी आवासों के लिए पात्र अपात्र का चयन कर लें, अपात्र हमको बाहर निकाल लें और जो पात्र होगा उनका चयन कर लें। गाँव में एक समस्या आती है सफाई को लेकर के, उस पर प्रधानों की काफ़ी शिकायत होती है, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सफाई में जो भी इस पर विचार किया गया है और जहाँ जहाँ ये समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने सभी प्रधानों से लिखित में मांगा गया है कि जहाँ जहाँ सफाई की समस्या है वहाँ एक बार फिर, क्योंकि प्रत्येक मंथ में रोस्टर लगा के सफाई कराई गई थी, कुछ ग्राम पंचायतों में सफाई हुई है, कुछ ग्राम पंचायतें अब रह गई हैं, जिनमें एक बार फिर मैं रोस्टर या ग्रुप में सफाई कर्मियों को भेजकर उसका पूरी सफाई कराई जाएगी ग्राम पंचायतों में। साथ ही साथ जो काम न करने की समस्याएं हैं उनमें ईडीओ पंचायत को निर्देशित किया गया है कि ऐसे सफाई कर्मियों को चिन्हांकित कर लें और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए डीपीआरओ महोदय को।